तो दोस्तों ऐश्वर्या शर्मा का एविक्शन हो चुका है दोस्तों। ये अब घर के बाहर जाके करिए या सीक्रेट रूम में चली गई वो, क्या लगता है? एविक्शन हुआ है ना? हाँ जी हाँ, एविक्शन हो चुका है। और अगर वो सीक्रेट रूम में जाती भी है वो बाद में देखा जाएगा। याद है शालीन ने टीना को वापस बुलाया था बजर बजा के? क्या ये हो सक हो फिर से होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि ये वो बिग बॉस 16 नहीं है, ये 17 है। तो ऐश्वर्या का एविक्शन हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, खबर आ चुकी है, वो ऐश्वर्या शर्मा जो है विक्ट हो चुकी है। कल याद है मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, कल ऐश्वर्या और नील का एक बातचीत हो रहा था और नील जो है बार बार ऐश्वर्या के मुंह को दबा रहा था ऐसे, और ऐश्वर्या बोली डोंट मैन हैंडल मी, मेरे साथ ऐसा मत करो मत करना। तब ऐश्वर्या बोल रही थी ना कि अगर मैं चली गई तो तू चुप करके मत रहना, खेलना तू अच्छे से, है ना, तू अच्छे से खेलना मत रहना चुप करके। फिर नील बोल रहा था चुप हो जा बाबू ना बेबो, कुछ बोल रहा था वो, है ना, ऐसे करके वो बाबू बाबू बोलता है ना ऐश्वर्या को। तो इसके बाद दोस्तों अब ये फैसला कैप्टन को दिया गया है, ईशा को, कि आपके हिसाब से किसको लगता है कि गेम में किसका वो है ही नहीं कोई, है ना, मतलब गेम में कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसका? तो ईशा ने बोला ऐश्वर्या का नहीं है, तो ऐश्वर्या को निकाल दिया गया है दोस्तों। इविक्शन हो चुका है ऐश्वर्या का। बहुत ही अब दोस्तों विलन वाला कैरेक्टर कौन प्ले करेगा दोस्तों, अब मुझे ये लग रहा है डर, है ना। अब अनुराग वाला कितना कंफर्म है वो मुझे नहीं पता दोस्तों, वो कल परसों संडे को ही पता चलेगा कि अनुराग इविक्ट हुआ है कि नहीं, क्या सलमान सन ने इविक्ट किया अनुराग को या फिर अनुराग नहीं हुआ इविक्ट, वो पता चलेगा कल ही। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अनुराग इविक्ट हुआ है ना। तो अब दोस्तों देखते, आयशा भी चली जाएगी, आयशा नहीं रहेगी दोस्तों। लेकिन अभी दोस्तों ये डर है कि मनारा कहीं ट्रॉफी ना ले जाए। हम लोग यहाँ मुनावर अंकिता ये ऐश्वर्या ये कर नील विकी ये करते हुए मनारा कहीं ना ट्रॉफी लेके चली जाए, ये आप देखिएगा दोस्तों, ये भी देखना ज़रूरी है ना, मनारा की ट्रॉफी ना लेके जाए। तो सेट से ये बड़ी अपडेट, ऐश्वर्या एविक्ट हो चुकी है, ईशा ने बोल दिया ऐश्वर्या का इन्वॉल्वमेंट है नहीं गेम पे। और कल उन दोनों को दिखाया भी गया था ऐश्वर्या और नील को, तो उन दोनों में से ही कोई इविक्ट हुआ है, तो ऐश्वर्या गई है ना, ये गई है। थैंक यू। चलिए दोस्तों, चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, किसी के फैंस को बुरा लगा तो सॉरी, और मुनावर को क्या बोले अब, उसको खेलने नहीं दे रहे, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय, है ना, बाय।